टुडे वी विल लर्न द टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन वेव थ्योरी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन वेव थ्योरी। जो हमने ह्यूजन प्रिंसिपल पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसमें वेव फ्रंट क्रिएट होते थे, वेव फ्रंट क्रिएट होना बताया गया था। यहाँ पर हम वेव फ्रंट का ही यूज़ करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए। उसके लिए हमें ये सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर एक वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, ये वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है और ये वेव फ्रंट ही यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, दूसरा नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। एक वेव फ्रंट हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पर वी टेक वेव फ्रंट, दिस वेव फ्रंट इज एपी। यहाँ पर दूसरा वेव फ्रंट हम कंसीडर करेंगे, यह है हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पी डैश पर, और ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर आकर ए डैश, पी बन जाएगा पी डैश, ए बन जाएगा ए डैश। यहाँ पर हम एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं क्यू, ठीक है। ये क्यू यहाँ से पॉइंट के से होता हुआ रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा ये रिफ्लेक्ट होकर, ये यहाँ पर पहुँच जाएगा क्यू डैश पर। ये पॉइंट भी क्यू इधर हम यहीं पर लेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट पर क्यू, ठीक है। अब हम ड्रॉ करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा इंसिडेंट जो वेव फ्रंट एंगल बनाएगा नॉर्मल से, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज एंगल आर, ठीक है। और ये भी बनेगा यहाँ पर एंगल आर, ठीक है। ये वाला एंगल, सॉरी, ये यहाँ तक रहेगा एंगल आर, ठीक है। ये एल एम इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये एल डैश एम डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, टाइम टेकन बाय डिस्टरबेंसेस ऑन इंसिडेंट वेव फ्रंट एट पॉइंट क्यू टू रीच एट पॉइंट क्यू डैश ऑन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। देन दिस टाइम कैन बी कैलकुलेटेड एज टाइम टेकन बाय डिस्टर्बेंसेस एट पॉइंट क्यू टू रीच एट पॉइंट क्यू डैश। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लेता है, ये डिस्टर्बेंस टाइम लेंगे। दिस टाइम कैन बी कैलकुलेटेड एज टी इक्वल टू, अब देखो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो ये क्यू से क्यू डैश तक डिस्टर्बेंस कहाँ तक पहुँचेगा, पहले क्यू से के तक आएगा और फिर के से क्यू डैश तक जाएगा। तो दो डिस्टेंस कवर करेगा ये, यहाँ से कहाँ तक, क्यू से के तक का और के से क्यू डैश तक का। और इसकी वेलोसिटी क्या लेंगे, यहाँ पर हम वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या बन गया, इक्वल टू क्यू के इक्वल अपॉन सी प्लस के क्यू डैश अपॉन सी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्यू के और के क्यू डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम पहले कंसिडर करेंगे राइट एंगल्ड
ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए क्यू के, ये वाला ट्राइंगल ए क्यू के, इन दिस ट्राइंगल क्यू के इक्वल टू हो जाएगा, क्यू के इक्वल टू ए के साइन आई, क्यू के की वैल्यू हो जाएगी क्यू के इक्वल टू ए के साइन आई। ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू लेनी है हमें, के क्यू डैश की। उसके लिए हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्यू के क्यू डैश पी डैश, के क्यू डैश पी डैश, इन राइट एंगल ट्रायंगल एंगल्ड ट्रायंगल के क्यू डैश पी डैश, के क्यू डैश पी डैश, इन दिस ट्रायंगल के क्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा, के क्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा के पी डैश साइन आर, के पी डैश साइन आर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ से वैल्यू आ गई क्यू के की और यहाँ से आ गई वैल्यू के क्यू डैश की। इन वैल्यूज़ को के क्यू के की और के क्यू डैश की वैल्यूज़ को हम यहाँ रख लेते हैं इन इक्वेशन वन, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन। वी हैव टी इक्वल टू, क्यू के इक्वल टू क्या था, ए के साइन आई अपॉन सी, प्लस के क्यू डैश इक्वल टू क्या था, के पी डैश साइन आर अपॉन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा सा और हमें करना पड़ेगा, क्या ये जो के पी डैश हमने ये निकाला था ना, ये के पी डैश देखो, इस ये के पी डैश किसके इक्वल हो सकता है, ये डिस्टेंस है ए पी डैश और ए पी डैश में से हम ए के को माइनस कर दे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, के पी डैश। ठीक है, तो यही करने वाले हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, टी इक्वल टू क्या था, ए के साइन आई अपॉन सी, ए के साइन आई अपॉन सी, प्लस किसकी वैल्यू लेनी हमें अब, के पी डैश की, के पी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी डैश माइनस ए के इक्वल टू ए पी डैश माइनस ए के, वहाँ पर साइन आर को ऐसे लिख लेंगे साइन आर, इसकी साइन आर की दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी ए के साइन आई अपॉन सी प्लस ए पी डैश साइन आर माइनस ए के साइन आर अपॉन सी। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, ए पी डैश की वैल्यू को अलग ले, ए पी डैश को अलग ले लेंगे और ये ए के वाली दोनों वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनको ले लेंगे अलग, तो ये हो जाएगी इक्वेशन टी इक्वल टू ए पी डैश साइन आर। ठीक है, प्लस ए के साइन आई माइनस ए के साइन आर। ठीक है, अपॉन सी और इक्वल टू ए पी डैश साइन आर प्लस ए के साइन आई माइनस ए के साइन आर, ए के कॉमन आ गया यहाँ से, यहाँ पर अपॉन सी। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब देखो बच्चों क्या है, थोड़ा सा अब हमें फिर डायग्राम पर वापस जाना पड़ेगा। देखो इस इक्वेशन में क्या आया, ए के साइन आई माइनस ए के साइन आर। अब मान लीजिए ये जो वेव फ्रंट है हमारा, ध्यान से देखें, यहाँ पर
ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है एपी, अगर ये पॉइंट, अगर कोई पॉइंट हम यहाँ इस पर कंसीडर करें, कहाँ पर, यहाँ पर कंसीडर करें, तो वो उसके लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके लिए के की वैल्यू यहाँ हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए ये ए के जो डिस्टेंस है, जो इक्वेशन में हमारा आया है, ये ए के डिस्टेंस, यहाँ पर उसके लिए ए के की वैल्यू अलग हो जाएगी। अब देखो क्या है इसमें कि इंसिडेंट वेव फ्रंट पर कोई भी पॉइंट हो, वे सारे पॉइंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पर पहुंचने में सेम टाइम लेंगे, सारे पॉइंट सेम टाइम लेंगे। तो ये इक्वेशन किसकी वैल्यू से ये इक्वेशन ए के की वैल्यू से इंडिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे सिंस ऑल द पॉइंट्स ऑन इंसिडेंट वेव फ्रंट विल टेक सेम टाइम टू रीच एट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, एट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। देन द अबो इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट, अबो इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट द वैल्यू ऑफ ए के। देयरफॉर ए के साइन आई माइनस साइन आर शुड बी जीरो, ठीक है। इस इक्वेशन को हम यहाँ रख लेते हैं, ए के साइन आई माइनस साइन आर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और साइन आई माइनस साइन आर इज इक्वल टू ज़ीरो, और साइन आई इक्वल टू साइन आर, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन इज प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, थैंक यू बेटा।